ये कहानी उन पहाड़ों की है जहां वक्त मानो रुक सा जाता है। सपने खुली आंखों से दिखते हैं और ये सफर मंजिल से भी खूबसूरत है। ये कहानी उन लोगों की भी है जो ऐसी मुश्किलों में भी खुश हैं। ये कहानी ज़ांस्कार की है। हिमाचल के हर सफर की तरह पहाड़ों की इस खूबसूरत सुबह के साथ मनाली बस स्टैंड और अपना एक और एडवेंचर। उस दिन मनाली में हमारी एंट्री काफी ढोल नगाड़ों के साथ हुई। लकीली वी गॉट टू विटनेस द ओल्ड मनाली का डुंगरी मेला। अब ओल्ड मनाली आओ तो कैफे कूफे और अच्छा खाना मैंडेटरी थिंग्स तो है बॉस। तो भाई ओल्ड मनाली कैफे वाली वाइब्स और ज़ांस्कार। फिर सोलो योलो का सहमति पत्र, बोलो तो ट्रिप का कंसेंट फॉर्म भर के, ट्रिप की ब्रीफिंग और नए दोस्तों के साथ मजे ही मजे। It's a beautiful morning out there from Himachal. सुबह के 6 बज रहे हैं एंड वी आर इन मनाली और यहाँ से आज का प्लान ऑफ एक्शन है ज़ांस्कार वैली निकलने का। फुल ऑफ रोड ट्रिप होने वाला है। इतना जोश भाई साहब, चलो सही भी है। सामान सेट है, टेम्पो ट्रेवलर सेट है, लोग सेट है, लेट्स हिट द रोड। मनाली से आज हमारा पहला दिन था शिंकुला पास होते हुए गोम्बो रोंजोन। रास्ता काफी थ्रिलिंग है इसका और वो सारी जगहें आती हैं जो लद्दाख जाते हुए दिखती हैं। ये हैं हमारे इस सफर के कुछ साथी। कपूर्स द क्रिमिनल्स, विनय एंड राहुल आपला पुणे चा साथी, मनीष भाई मेरे हर सफर का साथी, रोशनी द डेलीगेट क्वीन, ये है हमारी चिलपिल उपासना, कंटेंट मास्टर और मेरा भाई क्षितिज, एंड द सोशल मीडिया चाम भूपी भाई उर्फ भूपेंद्र। मनाली से इस सफर का पहला पड़ाव था अटल टनल और 9 किलोमीटर की ये टनल फील तो दे ही देती है अच्छी वाली, और इसे पार करते ही दुनिया अलग ही मैजिकल हो जाती है भाई लोगों। लोग हो या नजारे, लाहौल एक अलग ही जन्नत है यार। तो भैया लोग बोलते थे टांडी एक लास्ट पेट्रोल पंप है टूवर्ड्स ले, बट अभी कीलोंग में भी बन चुका है तो हम लोग यहाँ रुके हैं। थोड़ी कम भीड़ है वहाँ, टांडी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से हम लोग जाएंगे दारचा, वहाँ से शिंकुला पास होते हुए विल गो टू गोम्बो रोंजोन और वहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। सो गाइस हाउ इज द जोश, चलो चलते हैं। चलो तो भैया मेट्रो कुछ ऐसा है, इसका ब्रेक ऑयल लीक हो गया है तो थोड़ी बहुत रिपेयर करा रहे हैं हम लोग टेम्पो ट्रेवलर को। ये है हमारे सनी भैया। सनी भैया क्या हाल है?
ये हमारे ऑर्गेनाइजर है सोलो योलो के, हाथ तो मिला लीजिए सर। तो देखते हैं यही हमें लेके जाएंगे, हमारा ख्याल यही रखने वाले हैं पूरे ट्रिप पे। तो हम लोग अभी कीलोंग में ही है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग कीलोंग में ही, ब्रेकफास्ट के लिए रुके पीछे। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं यार। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीटिंग प्लेस है, नज़ारे बहुत ज़्यादा शानदार है। तो आपको ड्रोन से ही दिखेंगे इन 3, 2, 1। आपको बता दूं, जब अटल टनल नहीं होता था तो लद्दाख जाने वाले लोग रोहतांग पास से थक हार कर मोस्टली यहीं स्टे करते थे। एंड नाउ इट्स अ ग्रेट पिट स्टॉप फॉर द ट्रैवलर्स। तो गाइस हम लोग अभी दारचा पहुंच चुके हैं और ये लास्ट चेक पोस्ट है यहाँ का मनाली साइड का। इसके बाद यहाँ से सिंकुला पास कटता है। पीछे मेरे यहाँ पे एक ब्रिज है दारचा का, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ब्रिज है। नीचे लिखा भी यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे पीछे बाइकर्स हैं कुछ, इनको देख कर तो अलग ही मोटिवेशन आ रही है यार। यहाँ की 2-3 दुकानों से थोड़ा खाने का सामान और हिमाचल की इस आखिरी दुकान से सर्दी मिटाने का सामान लेकर आपने गौर किया हो, पेड़ पौधे दारचा के बाद कुछ खास रहे नहीं। लद्दाख शायद हिमाचल को इसी चीज पे डिवाइड करता है। क्या है यार पीछे देखो यार, वेलकम टू लद्दाख यार। नजारे देखकर मुंह खुला रह गया था, तो चुल भी थी रुककर ड्रोन उड़ाने की। पर हमारे भूपी भाई के लिए उनका पहला ड्रोन फ्लाई कुछ खास अच्छा रहा नहीं। फाइनली लॉस्ट ड्रोन मिल गया। और ढूंढा किसने? तुम्हारे भाई ने ढूंढा भाई, ऐसी कोई बात है? चलो अभी थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं। जांस्कार वैली यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो इन ऑफ रोड्स की शुरुआत थी। मिट्टी छोड़ो, नदियां भाई नदियां। एडवेंचर थ्रिल तो अब शुरू हुआ था। फील दिस वाइब। बस फिर इसी के बाद ओ मैन क्या हुआ?
क्या देख लिया यार ये सीरियसली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स यार व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन यार व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन मुझे लग रहा मैं मतलब इसका शूट नहीं कर पाऊंगा बैठूंगा यार आराम से तो पहले एक घंटे में ताड़ूंगा फिर देखते हैं मतलब मेरे जो पीछे दिख रहा है इतना ब्यूटीफुल माउंटेन यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो बैठ सकते हो ठीक है खा सकते हो पी सकते हो शांति ले सकते हो भाई भाई लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं यार ये कोई बात है चलो भाई ये है इसमें भी शांति मिल रही है इतने हाइट्यूड पर आके बट बहुत मज़ा आ रहा है बहुत पीसफुल है एंड रियली गॉड्स ओन माउंटेन मैन इतने एल्टीट्यूड पे क्रिकेट की दीवानगी कुछ अलग नहीं दिखा दी हमारे लड़कों ने और अब करनी थी थोड़ी पेट पूजा आंटी मैगी और चाय मिलेगा और क्या क्या है अभी तो फिलहाल मैगी और चाय ब्रेड और मैगी कॉफी है तीन मैगी और तीन कॉफी कर दो कौन सा कॉफी तो भैया हाई एल्टीट्यूड पे तो हम हैं तो यहाँ पे सब ऑक्सीमीटर से जांच कर रहे हैं अपनी कितना ऑक्सीजन आ रहा है ये है हमारी उपासना जी इनके भी 47 पता नहीं 47 आ रही थी फॉल्स रेट 47 आया मुझे लग रहा है फॉल्स था मुझे लग रहा है इनका वेट दिखा रहा था आज ये मैगी सबसे स्पेशल लग रही थी यार मौसम का तो कुछ हिसाब किताब लग नहीं रहा है यहाँ पे बारिश आ गई यार हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो ज्यादा ही क्रेजी सीन है सिद्धेश भाई बताओ कितना क्रेजी सीन है भाई एक का हम पता है अभी तक यहाँ पे ना धूप निकल रही थी आधे पौन घंटे पे और अब एक बार ना ऊपर का वो दिखाओ क्या हो रहा है भयंकर हो रखा है भाई पीछे देखो भाई चारों तरफ से बादल आ गए भाई बस ना आपका क्या कहना है इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर It's a beautiful day. भाई पार्ट रखी है. Beautiful location. मिल रही है टेंट हमारे. अब हमें नहीं पता रात को क्या हुआ. हवाएं बहुत तेज चल रही हैं. It's exciting. और फिर थोड़ी ही देर बाद ये तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे खैर. बोले वो भी टेंट तक. ये जो है यही है सबके रेनकोट निकल चुके हैं पीछे नजारा देखो भाई एक्सक्यूज मी मैं हर शॉट में ये नजारा जरूर दिखा रहा हूँ भाई लद्दाख तो कोल्ड डेजर्ट क्यों करता था भाई ग्लोबल वार्मिंग यही है भाई इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी ओले पड़ रहे हैं भाई बारिश हो रही है क्या पड़ रहे जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 15 देखो ये साले पागल हो गए Go! And as you can see, I think Shubham is leading, but I can also see Sahil in the background. Good job by Upasana as well. कैसा लग रहा है आपको इस push-up competition के बाद? बहुत मजा आ रहा है और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। काफी क्रेजी दिन था ये भूल नहीं पाएंगे हम स्पेशली कॉम्बो रोंजोन की ये शाम व्हाट अ हॉस्पिटैलिटी यार ये हमारे कॉम्बो जी इन्हीं का ही है ये कैफे जिन्होंने ये सेटअप किया ये दीदी हमारी आसान ना है भाई ये रे कॉम्बो जी ये रे भाई इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया है चाय कॉफी मैगी और क्या खिलाया भाई माटे भाई ऑमलेट ओ कर रहे हैं अभी रात हो गई है ऐसे नहीं हम लोग और थोड़ा बहुत स्माइल कर रहे हैं थोड़ा बहुत गर्मी ले रहे हैं और बस गर्मी लेके सो देंगे यार और ये लेट्स एंड दिस डे